अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां कलेक्टर मनोज पुष्प ने निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जिले में 8258 परिवार ऐसे हैं जो विगत एक वर्ष से उचित मूल्य दुकानों से राशन सामग्री नहीं ले रहे हैं। ऐसे परिवारों का मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत सत्यापन कर उक्त 8258 परिवारों के नाम काटे जाएं। जनपदों के समस्त सीईओ को स्पष्ट निर्देश देने के बाद भी उनके द्वारा अपात्र परिवारों के नाम नहीं काटे गए हैं। इस कारण से उनके स्थान पर नवीन हितग्राहियों के नाम जोड़ना संभव नहीं हो पा रहा है। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि एम राशन मित्र पोर्टल पर अपात्र परिवारों के नाम काटना सुनिश्चित करें, ताकि नवीन हितग्राहियों के नाम जोड़कर सत्यापन कराया जा सके।